8 शहर से चुनके अयली 32 भौजी, हर हफ्ता 4 गो दिखाई है अपना हुनर के जलवा। एमे से जे होई सबसे नीक उ बनी भौजी ऑफ द वीक, और फिर जे होई बेस्ट उहे पहनी ताज और बनी भौजी नंबर 1 सीजन 7। भौजी नंबर 1। भौजी नंबर 1 सीजन 7 के तमाम खूबसूरत दर्शकन के महुआ प्लस पे प्रियेश सिन्हा के बहुत सारा नमस्कार और प्रणाम। आज एक बार फिर से चार भोजन के साथ हमने के प्रोग्राम में आगे बढ़े के बाद और बड़े लोग हैं, जब तक हमने के जज लोगन के वेलकम ना कर लिया तो अपन बहुत सारी तालियों के साथ अपन खूबसूरत जज लोगन के स्वागत करे के चाहे। भोजपुरी इंडस्ट्री के मशहूर निर्माता निर्देशक राजकुमार आर पांडे जी, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा चुकल बाड़ी, देश विदेश में अपन परफॉर्मेंस ला बुलावल जाली कथक नृत्यांगना विधा लाल जी, और लोकगीत के मशहूर गायक, न सिर्फ एक मशहूर गायक बल्कि जब भी माइक थामे ले तो सब लोग अपन दिल थाम ले वाला। जोरदार तालियों के साथ स्वागत बा गोपाल राय जी। और हमने के ई हफ्ता के अब चार भोजन से राव लोग इनके परिचय हो जाए, जे लोग के रोवा लोग पिछला दिन भी देख ले बानी, बहुत जोरदार तालियां हमारे बिल्कुल बाएं तरफ में बाड़ी रश्मि जी भागलपुर से पूर्वी भौजी, नीलिमा जी ठुमरी भौजी, अनुराधा जी चैती भौजी और चिंकी भौजी कजरी भौजी, बहुत बहुत स्वागत बा। और स्वागत बा अब हमने के सेलिब्रिटी जज भोजपुरी के मशहूर अदाकारा, बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही खूबसूरत और डांस भी बहुत खूबसूरत करेली, प्रोग्राम में भी हमने के साथ रहेली, जोरदार तालियां अक्षरा सिंह जी। और अब हम रोल इनके सामने एक राज के बात रखे वाला बानी, राज के बात ईबा कि अक्षरा जी के एक फिल्म आ रहा बा माई के कर्ज, माई के कर्ज के प्रमोशन में उनकर फिल्म के हीरो भी आयल बढ़े, फिल्म के प्रोड्यूसर भी आयल बढ़े, रघुआ लोग इनके परिचय हम उन लोग से कराएं और वो फिल्म के एक गाना पे परफॉर्मेंस भी रघुआ लोग इनके देखे के मिली, तो सबसे पहले तो परफॉर्मेंस हमने के देखल जाओ और उसके बाद ये फिल्म के बारे में चर्चा भी हुई। तो अक्षरा जी और रोशन, फिल्म के हीरो रोशन राजपूत, दोनों का स्वागत। जब से भैलू तुसेन ए हमार सूगी के डंका बाज गेल हो, के डंका बाज गेल हो, कर्ज फिल्म के गीत रहे रोशन राजपूत जी के पहला फिल्म। तो रोशन जी फिल्म के बारे में हमरा बताई। हमनी फिल्म लेके आवता नी माई के कर्ज, तो माई के कर्ज का होला एकरा के ना केहू आज तक चुकैले बा, हमरा ख्याल से ना केहू चुकाई, लेकिन कर्जा सारा जिंदगी लेके हमनी चल जाई। माई के कर्ज फिल्म एसआरके म्यूजिक से लॉन्च हो रहल बा और एकर मीडिया पार्टनर महुआ प्लस बा। तो एसआरके म्यूजिक के एमडी हमने के साथ में और ए फिल्म के पीआरओ वो भी हमने के साथ में, एमडी साहब रोशन जी और पीआरओ अखिलेश जी के भी मंच पे स्वागत हुआ। बहुत बहुत स्वागत। और माइक के कर्ज फिल्म के म्यूजिक रिलीज, म्यूजिक रिलीज से पहले मैं चाहूंगी राजकुमार जी हमारे भोजपुरी फिल्म के सबसे बड़े डायरेक्टर प्लीज आइए। राजकुमार भैया आपके हाथों से माइक के कर्ज फिल्म के म्यूजिक रिलीज। टैं टैं।
बहुत बहुत बधाई इस फिल्म के ऑडियो रिलीज के लिए अक्षरा को, रोशन को और हमारे एसआर के म्यूजिक के जो ऑनर हैं, और आप सभी को थैंक यू। माई के कर्ज फिल्म के म्यूजिक रिलीज हो गई बा, और फिल्म रिलीज जब हुई तो रोल उनके फिल्म देखे के भी बा। बहुत सारी शुभकामना पूरा टीम के, बहुत मेहनत भइल बा और बहुत अच्छी फिल्म बनल बा, रोगोलोगिन जरूर देखी। और एक साथ ही अभी एक छोटा सा ब्रेक बा, तो रोगोलोगिन बन रही हमने के साथ, देखते रहे भौजी नंबर वन सीजन 7। भौजी नंबर वन, भौजी नंबर वन, भौजी नंबर वन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से राहुल लोग इनके खिदमत में भौजी नंबर वन सीजन 7 के खूबसूरत मंच पे रहुआ इनके स्वागत करता नहीं। और अब गीत के बाद बात, संगीत के बाद बात, मौसीकी के बाद बात, और उहे जादू बिखेरेला हमने के चार भौजी लोग तैयार बा। ए राउंड में जन राउंड के नाम बा गीत बा। कजरी भौजी प्लीज आ जाएंगे। परफॉर्मेंस पे हम रहुआ काठमांडू के टूर के टिकट देता नहीं, अकेले निकल जाए भैया का भी छोड़ के, क्योंकि रहुआ गीत बहुत अच्छा गई है, प्रस्तुत करनी है। आई सबसे पहले गोपाल भैया से पूछल जाओ भौजाई के गीत सुनला के बाद समझ में आता कि यहाँ के गायिका है ना, गाओ तनी पहला बेर हमके लगता ना भौजी, ऐसे आंगन में तो गाते रहला लोग, और सबसे बढ़िया बात ये बात है कि जो नगना में गावेला लोग, जो ना मिजाज से गावे लोग, वही मिजाज से रुआ प्रस्तुत करनी, बढ़िया गोली आप जय। विदा जी, भौजी आप थोड़ा सा डर के गा रही थी, अगर अगली बार आपको ऐसा मौका मिलेगा तो आप और खुल के परफॉर्म कीजिएगा, यहाँ पे डांस के लिए भी, किसी भी राउंड के लिए। मैंने इससे पहले भी आपसे कहा था कि आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये अवसर दोबारा नहीं मिलेगा आपको, आप इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँची हैं तो उस अवसर का अच्छे से फ़ायदा उठाएँ, ठीक है भौजी। राजकुमार भैया, ये हमारे सिनेमा में गाना रहे देवरा भेल दीवाना में, हम चाहते हैं एक लाइन है भी वाला हम गनो गा दें। सिंगार दानी छोटी हाय दैया दैया, सिंगार दानी छोटी हाय दैया दैया, हाय दैया दैया हो, हाय दैया दैया, हाय दैया दैया हो, हाय दैया दैया हो, हाय दैया दैया, सिंगार दानी छोटी हाय दैया दैया, सिंगार दानी छोटी हाय दैया दैया। तो आपको तो एकदम मस्ती से इसको गाना चाहिए, और ऐसे गाने आप लोगों को और अच्छे से गाना चाहिए, और जो तीनों लोग घबराई हुई खड़ी हैं एकदम को बनाना नहीं है। अच्छा, एक लाइन में अगर कुछ कहे के बाद इनकर गीत के ऊपर में तरुवा का कहें? बहुत अच्छा गाए हैं, हम पहले ही बोले थे कि आप लोग जितने लोग हैं एकदम दबा के गाइए ताकि हम वहां आके नाचने लगे आप लोग के साथ। चलिए आगे और अब चैती भौजी अनुराधा जी तैयार बाड़ी, तो फिर आ जाएंगे।
जी बहुत बढ़िया। और थोड़ा सा प्रतिक्रिया जानल जाओ, सबसे पहले गोपाल जी। हिंदुस्तान नहीं दुनिया के कोनो ऐसन भोजपुरी के चैनल नहीं के जो इतना मिट्टी से भरल सुगंध और ये तरह के माटी के चीज के प्रस्तुति अपना चैनल पर करत होके, बस मात्र एगो चैनल के नाम बा महुआ प्लस, जौन गांव के घर के खेत के खलिहान के गीत आपके मंच पर आपके दिखावेला सुनावेला वही तरह के गीत भौजाई गौली। अच्छा प्रयास रहल, जय हो। राजकुमार भैया, बियाह के प्रथा के गीत रहे और इतना बढ़िया इतना नीमन लगल है, हमेशा घर और शादी ब्याह में गावल जाला। यहाँ आके गाँव में थोड़ा मुश्किल तो रहा है, कहें से कि सब के हो बा रिदम बा कैमरा हर चीज़ में थोड़ा मुश्किल रहा, लेकिन बहुत बढ़िया निभोलू हो। भाजी आपकी कोशिश बहुत अच्छी की है, थोड़ा सा ताल से हिल गया था। पर आपने उस पर भी उसको निभाया, आप बीच में रुके नहीं, आप गाते चले गए, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये जो कॉन्फिडेंस आपने बना के रखा था बहुत अच्छा है। चैती भौजी बहुत बहुत बधाई बा, बहुत सुंदर प्रतिक्रिया के बाद अब बारी बा पूर्वी भौजी के, तो ये मौका उनका देवल जाओ। हाँ एकदम बिल्कुल। एक हम बैंड बना रहल बानी और वो बैंड में हम रहुआ जरूर इनवाइट करें, बहुत अच्छा गई नहीं रहुआ। थैंक यू सर। थोड़ा प्रतिक्रिया जानल जाओ, सबसे पहले तो गोपाल भैया रहुआ से। आवाज अच्छा बा, मिजाज भी अच्छा बा, टाइट सही और अच्छा गाय। जय हो। भौजी कितनी प्यारी आवाज है, अगर मैं आंख बंद करके आपकी आवाज सुनूं तो लगेगा एक छोटी सी बच्ची गा रही है। आप अपनी उस आवाज को बरकरार रखें, घबराइए मत, बहुत ही अच्छा चल रहा है आपका सेगमेंट, सब कुछ बहुत अच्छा है, बस थोड़ी सी झिझक खोल दीजिए, बहुत खूबसूरत। थैंक यू मैम। और अब ठुमरी भौजी रहुआ तैयार बानी, स्वागत। हाय परदेसी छेला हमसे कटावे लगले धाने।
खूबसूरत गीत के बाद अब प्रतिक्रिया विधा जी, सबसे पहले रुआ से। ठुमरी भौजी ने इतना खूबसूरत गाया कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए और हम सभी लोग यहाँ पर आकर आपके साथ डांस करने लगे। बहुत खूबसूरत भौजी, बहुत राजकुमार भैया, इनकी आवाज में इतनी कशिश है कि एक तो पता नहीं एकदम अलग सी आवाज इनकी लगी जब ये इन्होंने स्टार्ट ही जैसे टेक ऑफ लिया। और आपके अंदर पता है, मैं अभी तक बंदनी जी का बोल रहा था, नीलिमा जी हमारी इंडस्ट्री की, वो भी बहुत बड़ी कलाकार हैं, बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं, वो अक्षरा की मम्मी हैं। अच्छा। और उन्होंने बहुत सारी फिल्में की हैं, तो दोनों लीजन लेडी, एक तो बंदनी जी जैसा आप हैं और नीलिमा जी का नाम ले लिया। सोने पर सुहागा हो गया। थैंक यू भौजी, आपने बहुत अच्छा गाया। थैंक यू। हम कहा कहीं हमारे तो एकदम मिजाज हरियर हो गया आपके गीत सुन के। हम इतने कह हर गवाला से रउआ सब कर खिल गईल मनवाए मोर ठुबरी भौजी, लागे जैसे बदरी में चनवाए मोर ठुबरी भौजी। जय हो। तो उन्हें से माइक होते हुए अब हमरा लगे माइक आ गई बात, तो अब हमरा भी अपन ड्यूटी के निभा देवे के बा कि जब छुपा रुस्तम ने अपनी परफॉर्मेंस दिखा दी है, सारे खुल गए हैं भेद और सभी जज यहां आ गए हैं, तो रुकावट के लिए है खेद, यानी छोटा सा है ब्रेक। तो बनल रही हमने के साथ, देखते रहे भौजी नंबर वन सीजन सात। भौजी नंबर वन, भौजी नंबर वन, भौजी नंबर वन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से रोलोगिन के बहुत बहुत स्वागत बाब महुआ प्लस में, भौजी नंबर वन सीजन सात में। इंसान ट्रेन में गुम हो जाओ, इंसान भीड़ में गुम हो जाओ, इंसान कहीं मेला में गुम हो जाओ, उससे अच्छा बाकी लव में गुम हो जाओ। लव में गुम हो गए मतलब बाकी प्यार में बा, प्यार में बा यानी कि शांति में बा, शांति में बा यानी कि अमन में बा, अमन में होके मतलब बा कि सब ठीक बा, और सब में ठीक होके मतलब बा कि सब ठीक बा। और जब सब ठीक बा तो मोहब्बत के इजहार करे के चाहिए, और इजहार करे के मौका हम दे रहे बानी लोग के राउंड में, जहां ये लोग के एक मिनट में एक लव लेटर तैयार करे के बा, मोहब्बत बा, इजहारे मोहब्बत। इजहारे मोहब्बत में अक्षरा मैं आपको बताऊं कि एक मिनट के अंदर सभी भाभियों को एक लव लेटर लिखना है अपने हस्बैंड को, ठीक ना, और उमे पूरा इमोशन होके के चाहिए, जौन भी फीलिंग बा रहुआ लोग इनके अंदर जौन फील कर रहल बानी, अगर कर रहल बानी तो लिख दी, और नहीं कर रहल तो फिर अल्लाह मालिक बा। है ना, तो प्यार लिखे से बा, और उमे शब्द के अच्छा चयन करी, अच्छा जीवन का अनुभव लिखी, कहे के उपे मार्किंग बा, ठीक ना, तो सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस जौन बा लाइफ के उ लिखी। शुभकामना, स्टार्ट करता नहीं इजहार मोहब्बत, एक मिनट का समय, डिंग। विधा जी भी हमेशा एक मिनट में भी कुछ लिखे ली, वो भी लिख रहा बाड़ी, और हमेशा गोपाल जी और राजकुमार भैया उदास हो जाला लोग कि हमने के बारे में कहना लिखे ली। मैं कोई गर्लफ्रेंड नहीं, हम किसके लिए लिखे, ना कोई शादी ना कोई गर्लफ्रेंड, केकरा ला लिखे। आज सोच रहा मैंने कुछ लिख दी, काश हमारे हाथ में पेन हुई कागज हुई। चौदह सेकंड बाप,
समय समाप्त। चलिए मेरा। चलिए। आपको तो पेन हमने भरा हुआ दिया, एक भाभी को तो खाली पेन दिया था, फिर भी उन्होंने लिख दिया था, उनका इजहार इतना पक्का था। लाइए इजहार मोहब्बत रघुवा लोइन के सामने। सबसे पहले कजरी भौजी, रघुवा का लिखनी है, बहुत प्यारी सी लाइन इन्होंने लिखी है। लिखा तारी कि मैं आपको बहुत प्यार करती हूं, आपके बिना नहीं रह सकती, जैसे मैं मछली भात खाना पसंद करती हूं, मैं वैसे ही आपको पसंद करती हूं। मछली भात के बगैर नहीं रह सकती और पतिदेव के बगैर नहीं रह सकती, क्या कंपैरिजन खाने से क्या। और सही बात है, इंसान खाने के बगैर नहीं रह सकता, इतनी इंपॉर्टेंट है आपकी चिंकी भौजी की लाइफ में, क्या बात है। चैती भौजी, इन्होंने लिखा है, प्रिय सबसे पहले आपको मेरा बहुत सारा प्यार, आपका फोन आया, आप मुझे याद कर रहे थे, मुझे मिस कर रहे थे, और बस इतना आपका कहना मुझे यहां इन लोगों के बीच में इतना रास आया कि मैं सुबह से खुश हूं, और ये लाइन सुनने के लिए हमेशा आपसे दूर रहना चाहती हूं। क्या बात। ठुमरी भाभी ने लिखा है, मेरे मन की बात आप खुद जानते हैं और मैं क्या कहूं, बस इतना कहना है कि ये दिल तुम बिन लगता नहीं, मैं कई बार पूजा करना भूल जाती हूं, लेकिन जब आपकी याद आती है तो मुझे लगता है कि दिन का पूजा हो गया। पूर्वी भौजी लिख रहा बड़ी, लिखा तारी, प्यार से भी प्यारे कौशिक जी, मैं यहां जब से आई हूं आपको हर पल हर घड़ी मिस करती हूं, मैं आपसे बहुत माफी मांगती हूं कि आपकी तबीयत खराब होने के बावजूद मुझे यहां आना पड़ा, पर मेरी चिंता, मेरा मन, मेरा दिमाग सिर्फ आपके पास है, सिर्फ आपके पास। इजहार मोहब्बत चारों भोजन के रेवोल्यूशन के सामने, और अब सब भोजन के इजहार मोहब्बत पे प्रतिक्रिया। विधा जी भी लिखती हैं, तो विधा जी ने क्या लिखा है आज। सुकूने दिल भी नहीं, राहते जिगर भी नहीं, जो तुम नहीं तो चैन मेरे दिल को लम्हा भर भी नहीं, तड़प रहे हैं मोहब्बत में वो भी मेरी तरह, करार इधर भी नहीं, करार उधर भी नहीं। थैंक यू, आपने मेरे लिए इतना अच्छा लिखा। अच्छा, भैया के लिए लिखा था। ओ राजकुमार भैया, कई आशाएं कई उम्मीदें, एक कसक एक दीवानगी साथी है मेरे, इंतजार कर रहा हूं शेर के सच होने का, जिसमें किसी शायर ने कहा है, तेरा हाथ हाथ आ गया और चिराग राह में जल गया। क्या बात। बहुत बढ़िया, सबने अपना अपना फीलिंग्स जो था वो दिल से निकाल के कागज़ पर लिख दिया, और ये बहुत मुश्किल होती है, ये बहुत कठिन काम है, खासतौर एक मिनट में कह पाना ये बहुत ही बड़ी बात है, लेकिन हमारी सभी भौजाइयों ने बहुत अच्छी तरह से, सबका अपना अपना प्यार था। आप लेकिन दूर रहना क्यों चाहती हैं, हमारी चैती भौजी जो हैं। नहीं नहीं, तो मोहब्बत में लिखा है। अच्छा, मोहब्बत में लिखा है कि सुनने के लिए, फिर जैसे वो बोल देंगे फिर पास आ जाएंगे ये। मैं पूछना चाहती हूँ पूर्वी भाव जी, अगर आपका मन हो तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आपके जो प्रेम पत्र आपने लिखा उसमें लिखा है कि आपके पति बीमार हैं और उसके बावजूद आप यहाँ पर हैं, तो आप अपने पति को छोड़ के क्यों आई हैं अगर वो इतने बीमार हैं तो। एक्चुअली उनको ऐसे कोई सिंपल सा कोई बीमारी नहीं है, उनको बहुत बड़ा बीमारी है, पर फिर भी उनको छोड़ के आना पड़ा है, क्योंकि वही चाह रहे थे कि जाओ तुम यहाँ से, तुम कहीं यहाँ पर रहती हो तो मन अच्छा नहीं लगता है, हर टाइम मेरे लिए चिंता करती रहती हो, जाओ घूम के आओ, देख कर आओ।
इसलिए। क्या बीमारी है उनको? मैम उनको तो उनको ट्यूमर हो गया है। ब्रेन ट्यूमर। तो ब्रेन ट्यूमर का तो इलाज भी हो सकता है, ठीक हो जाएंगे। आजकल तो मेडिकल साइंस ने बहुत वो की है, तरक्की। आप ऐसे निराश मत होइए। नहीं मैम, बहुत ट्रीटमेंट उनका चल रहा है पर कोई कुछ भी नहीं कर पा रहा है। कौन सी स्टेज का ट्यूमर है? मैम कुछ दिन पहले पता चला कि ट्यूमर अब नहीं है वो। मैम मैं बता भी नहीं सकती वो क्या हो गया उनको। आप अपना मन हल्का करिए, आप आराम से हमें बताइए, क्योंकि मुझे भी चिंता, हम सबको चिंता हो रही है ना यहाँ पे बैठ के। आप प्लीज शेयर करिए हमसे। तबीयत ठीक है? ठीक है मैम। आप बताइए प्लीज, आपका शायद मन इससे हल्का हो जाए, क्योंकि मैं देख रही हूँ आप बहुत ही गुमसुम सी हैं, आप किसी चीज में मन नहीं लग रहा है। बताइए, आप हमें बताइए। मैम वो उनको कैंसर हो गया है। पूर्वी भौजी बहुत ज़्यादा तकलीफ में, और हम बस हम अपना तरफ से और महुआ प्लस के भौजी नंबर वन सीजन 7 के तमाम मेंबर्स की ओर से ये दुआ करें कि इंकर पतिदेव स्वस्थ हो जास और ये तकलीफ से इंकरा निजात मिले। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ ले रहा बानी, बना रही हमने के साथ छोटा सा ब्रेक। भौजी नंबर वन ब्रेक के बाद एक बार फिर से भौजी नंबर वन सीजन 7 के मंच पे स्वागत बा। जब ब्रेक पे गए रनी सन तो एक गमगीन माहौल रहे, लेकिन जब वापस आए रनी सन तो एक बार फिर से वे हौसला और वे उत्साह के साथ सभी भाभी, खासकर पूर्वी भाभी तैयार बानी। और जैसा कि सब जज लोग के समझावे के और बतावे के मौका मिलल है ब्रेक के दौरान, वो बात के ध्यान में रखते हुए आई राउंड में हमने आगे बढ़ल जाओ और राउंड बा मौके पे चौका। मौके पे चौका ही राउंड में एक भौजी से दूगो सवाल पूछल जाए, भौजी के जवाब लिख देवे के बा। और भौजी बाकी के भौजियन के फसैयन, बाकी के भौजी जो फंस गई बाड़ी उनका जवाब देवे के बा। अगर जवाब उनका सही बा तो उनका 5 अंक जुड़ जाए, और जवाब गलत बा तो उनका 5 अंक माइनस हो जाए। अब एमे भी एक कंडीशन ई बा कि जोन भौजी फसैली है उ भौजी के जवाब खुद अगर सही बा तब तो उनकर खाता में 5 अंक जुड़ जाए, लेकिन अगर उनकर खुद के भी जवाब गलत बा तो उनकरा 0 मिली। ई बा ठीक ना? तो अगर फसैनी और खुद सही जवाब देनी तो 15 अंक मिल सकता एक एक जवाब पर। तो स्टार्ट करता नहीं, सबसे पहले हम कजरी भौजी रघुआ से लिखे के बाद जवाब। कौन सा शहर भारत का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी राजधानी कहलाता है? आईटी की राजधानी कहलाता है, दिल्ली कहलाता है, हैदराबाद कहलाता है, चेन्नई कहलाता है, या बेंगलुरु कहलाता है? हैदराबाद में बाबू। पूर्वी भाभी आपका जवाब बिल्कुल सही है, इनके 5 अंक माइनस होते हैं और आपके खाते में 15 अंक जुड़ते हैं। मौके पे चौका राउंड यहाँ समाप्त हो रहा बा, और अब जज लोगों के प्रतिक्रिया। विधा जी, भौजी आप लोगों ने कोशिश अच्छी की पर इससे बेटर हो सकता था। आने वाले आगे के सेगमेंट्स के लिए एकदम तैयारी करके आइएगा, और उसके लिए अभी से बहुत बहुत शुभकामनाएं। गोपाल भैया, भौजी लोग इस सेगमेंट के बाद ही समझ में आ जाएगी चाहिए
यह भौजी नंबर वह बन सकेला जो बहुत ज्ञानी होके खाली गावला नाचाला से ना भौजी नंबर वन केहू बन जाए। बड़ी पढ़ल लिखल भौजाई जब रही है तब भौजी नंबर वन बनी है। एक खातिर बढ़िया से तैयारी आप सब। राजकुमार भैया सबने कोशिश किया थोड़ा सा इसको सीरियस हमारी जो ठुमरी भौजी उन्होंने नहीं लिया था और मुझे लगता है कि सीरियस लेना चाहिए किसी भी राउंड को। देखिए ये सब बातें तो हैं हमारी आपके लिए हैं हंसने हंसाने के लिए हैं। तो नंबर जो मिलल बा उ नंबर के अब तो हमरा लेवे के पड़ी और वही के साथ हमरा आगे बढ़े के बा और आगे बढ़ते हुए तो फिलहाल अभी एक छोटा सा ब्रेक बा। ब्रेक के बाद वापस आए और तुरंत ये प्रोग्राम आगे बढ़ी। रवोल इन कहीं मत जाए, देखते रहें भौजी नंबर वन सीजन साथ। भौजी नंबर वन भौजी नंबर वन ब्रेक के बाद एक बार फिर से रवल इनके बहुत बहुत स्वागत बा। भौजी नंबर वन सीजन सात के खूबसूरत मंच पे चार भौजन के बीच प्रतियोगिता रहे और प्रतियोगिता के आखिरी चरण में रवल इनके सामने रिजल्ट बन के तैयार बा। रिजल्ट अनाउंस करे से पहले हम अपन जज लोगन से चाहें कि शुभकामना सभी भौजन के मिल जाए। तो सबसे पहले विधा जी सभी भौजियों को बस यही कहना चाहूंगी कि अपने ऊपर हौसला अपने अंदर विश्वास रखिए क्योंकि इस दुनिया में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। आप कर सकती हैं, अपने आप से आपको ये वादा करना है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। गोपाल जी आज कैसे पूरा भइल तो तनी रात भर बढ़िया से आराम करके दिन भर खूब आराम से खा पी के दवाई वाई रेस्ट करी सब या ताजगी से नया मिजाज से नया आवाज से रेवा सब पुनः प्रस्तुत होगी। ढेर सारा शुभकामना। राजकुमार भैया सब के होके नीमन खेले के भाई पहले से कह रहा बनी और आगे भी ध्यान रखे के आगे एपिसोड में और एकदम खूब तैयारी करके आए जा लोग। धन्यवाद आप लोगों के आगे खातिर शुभकामना। अक्षरा आप सभी को क्या तारीफ करने के लिए अब कुछ शब्द बचे नहीं हैं, इसलिए दिल से आप सभी को शुभकामना देना चाहूंगी। खूब डट के लड़िए, ऑल द बेस्ट। इन्हीं शुभकामनाओं के बीच अब सभी भौजियों के नंबर रघुवालो इनके सामने। सबसे पहले स्टार्ट करें पूर्वी भौजी रघुआ से। रश्मि जी भागलपुर से गीत बहार राउंड में इनका मिलल 15 अंक, इजहारे मोहब्बत में मिलल 10 अंक, मौके पे चौकाई राउंड में मिलल इनका 10 अंक, टोटल इनकर बाप 35 अंक। ठुमरी भौजी नीलिमा सिंह इलाहाबाद से गीत बहार राउंड में मिलल इनका 20 अंक, इजहारे मोहब्बत में मिलल 20 अंक, मौके पे चौका राउंड में 5 अंक माइनस भैलबा और इनकर कुलबा 35 अंक। चैती भौजी अनुराधा जी जमशेदपुर से गीत बहार राउंड में इनका मिलल है 10 अंक, इजहारे मोहब्बत में मिलल है 10 अंक, मौके पे चौका पे चौका मरली है 20 अंक, टोटल बा इनकर 40 अंक। कजरी भौजी चिंकी पाल जी जमशेदपुर से गीत बहार राउंड में 15 अंक, इजहारे मोहब्बत में 10 अंक, मौके पे चौका राउंड में सबसे ज्यादा स्कोर 30 अंक, कुल बाइंकर 55। भौजी ऑफ द डे रुआ बन गिलवानी। जो सब कहे के चाहता नहीं अपन घर परिवार के लोग के मुझे तो बहुत खुशी लग रहा है और मेरे पति भी यहाँ आए हुए हैं वो भी बहुत खुश है और मेरी बेटी भी बहुत खुश है जी। और मैं चाहती हूँ कि मैं और लगन से और बहुत जोश से खेलूं और ये नंबर से और ज़्यादा आगे जा सकूं। हमारी शुभकामनाएं हैं आपको और सभी भोजन से दरख्वास्त बाकी रवा लोग भी थोड़ा सा और बहुत अच्छा अटैम्प्ट लगा रहा बानी बहुत अच्छा एफर्ट लगा रहा बानी लोग लेकिन थोड़ा सा और एफर्ट में दम देवे के बाद दम भरे के बाद तो मामला और अच्छा हो जाए। अगला एपिसोड ला बहुत सारा शुभकामना देते हुए अब हम बस इतने कह के चाहें कि इंसान के हमेशा हर परिस्थिति में खुश रह के चाहें। खुशियों के साथ बिगड़ल से बिगड़ल काम भी बन सकेला। मस्त रहें जहां रहें, महिलाओं के सम्मान करें और महिला लोग से भी कहें कि थोड़ा सावधान रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज प्रियेश सिन्हा रघुवालोगन से परमिशन इजाजत मांगना पा रहे हैं। अपन ख्याल रखें, खुश रहें और अपन प्यार देते रहें भौजी नंबर वन सीजन सात के। भौजी नंबर वन